नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चुनाव से पहले बाहर आ जाएंगे, ये चर्चाएं जो हैं वो बहुत तेज़ी से हो रही हैं। सोशल मीडिया पर ये खबरें बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। राजद समर्थकों के आँखों में अभी से ही आस के दिए जलने लगे हैं कि उनके नेता क्या जेल से वापस आ जाएंगे 2020 चुनाव के बाद। तो फिलहाल जो सच्चाई है, जो असली बातें हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। आखिर क्यों ये बातें निकल के आई, क्यों ये खबरें उठ कर आईं? आपको पता होगा, अभी से कुछ दिन पहले झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है लालू प्रसाद यादव के जमानत को लेकर के, क्योंकि उन्होंने अपनी सज़ा की आधी से ज़्यादा अवधि जो है वो पूरी कर ली है जेल में। इसका हवाला दिया गया है, स्वास्थ्य का हवाला दिया गया है। इसको लेकर के लोगों में उत्साह है कि याचिका डाली गई है, लेकिन अभी तक न्यायालय की तरफ से समय नहीं दिया गया है। सुनवाई की तारीख जो है वो मुकर्रर नहीं की गई है, किस दिन सुनवाई होगी इस फैसले, इस याचिका पर, ये डेट अभी तक सामने निकल के नहीं आया है। फिर कैसे ये खबर चलने लगी कि लालू प्रसाद यादव बाहर आ सकते हैं चुनाव से पहले? आपको पता है, आज राजद के विधायक दल की बैठक थी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वहाँ मौजूद थे, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मौजूद थी, उन सभी की मौजूदगी में ये सारी बातें निकल के आईं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने सभी विधायकों को संबोधित कर रहे थे, सभी जिलाध्यक्ष भी आज मौजूद थे, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में सभी जिलाध्यक्षों के साथ सभी विधायकों को बुलाकर लगातार मीटिंग का जो दौर है वो चल रहा है। कल कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के साथ भी रात को बैठक हुई है, बड़ी बैठक हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा हो या फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह हो, उस मीटिंग में मौजूद थे। तो ऐसे में बैठकों का दौर चल रहा है, चाहे वो एनडीए का खेमा हो या फिर महागठबंधन का। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने सभी जिलाध्यक्षों को बोल रहे थे, बता रहे थे कि चुनाव से पहले कैसी तैयारियां करनी है, क्या क्या तैयारियां करनी है जनता के बीच जाकर, क्योंकि फिलहाल डिजिटल तकनीक का उपयोग करके संवाद किया जा रहा है। जैसे पहले के चुनावों में होता था, हम लोगों के घर तक नहीं जा सकते हैं। हाँ, डोर टू डोर भले ही जो गाँव के, ज़िले के लोग हैं, जो वहाँ के नेता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, वो जा कर के प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको पता होगा फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। कल से पटना में लॉकडाउन लग जाएगा, पटना समेत बिहार के जो 5-6 ज़िले और हैं वहाँ भी लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। फिर से एक बार लॉकडाउन का नज़ारा दिखेगा और जितने VVIPs हैं उन सभी तक भी कोरोना का जो कहर है वो पहुँच गया है। जब CM आवास तक कोरोना ने दस्तक दे दी, तो आप समझ सकते हैं कोरोना का कहर कितना है। ऐसे में चुनाव में पहले जैसी रौनक और रंगत देखने को नहीं मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज कहा लोगों को संबोधित करते हुए कि वो ऐसा उम्मीद करते हैं, जिस तरीके से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, वो ऐसा उम्मीद करते हैं कि जल्द ही लालू प्रसाद यादव बाहर आ जाएंगे, न्यायालय जो है वो उन्हें जमानत दे देगा जो याचिका दायर की गई है। इस भरोसे के साथ वो अभी चल रहे हैं और उन्होंने अपने विधायकों को भी ये भरोसा दिलाया कि उम्मीद है 2020 चुनाव से पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बाहर आ जाएंगे, हम लोग के बीच होंगे। अब उस वक्त शर्तें जो कुछ भी रखे न्यायालय वो तो अलग बात है, बस बातें इतनी सी हुई हैं। और ऐसे में खबरें चारों तरफ निकल के आ गए कि लालू प्रसाद यादव चुनाव से पहले बाहर आ सकते हैं, आ सकते हैं, आएंगे नहीं आएंगे फैसला न्यायालय पर है। और यही बातें आज हुई अपने विधायकों को, अपने जिलाध्यक्षों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने जब उनमें जोश और उमंग भरने के लिए बातें कहीं, तो ये बातें खबर बन गई और चर्चाओं में आ गई। ऐसे में RJD के सभी फैंस को, RJD के सभी समर्थकों को ये उम्मीद है कि लालू प्रसाद यादव बाहर आएंगे चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के इस भाषण के बाद। लेकिन चुनाव से पहले वो बाहर आते हैं या नहीं, फिलहाल रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाल ही उनके जन्मदिन पर जाकर उनसे मुलाकात भी की है। ये सभी फैसला जो है वो न्यायालय पर है, जब तारीख मुकर्रर की जाएगी, किस दिन सुनवाई होनी है इस याचिका पर, उस वक्त देखा जाएगा कि वो बाहर आएंगे या नहीं, बाहर आ सकते हैं नहीं, इस पर फैसला न्यायालय को ही लेना है और उस वक्त ही ये तय हो पाएगा। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।